हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने वाले हैं गार्लिक प्रॉन्स और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को कि अच्छा लगेगा। और चलिए हम देखते हैं इसके लिए क्या चाहिए। बहुत ही कम सामान में हम इसको बनाने वाले हैं। मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून ऑयल डाला। ऑयल गर्म होने के बाद में जो है मैंने यहाँ पर गार्लिक चॉप किया हुआ 25 से 30 गार्लिक की जो कलियाँ होता है, लहसुन की कलियाँ, उसको चॉप करके डाला है। 2 मिनट मैंने गार्लिक फ्राई करने के बाद में जो है मेरा प्राउन्स मैंने साफ़ करके रखा हुआ था उसको डाला, जो 400 से 500 ग्राम के करीब है। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और पकाएंगे। लो टू मीडियम हीट में ही हम इसे पकाएंगे और इसको हम मिक्स करते रहेंगे बीच बीच में। और हम यहाँ पर नमक अपना स्वाद अनुसार डालेंगे। नमक डालते ही आप देखेंगे इसमें पानी छोड़ेंगे, प्राउन्स जो है पानी छोड़ने लगते हैं। कोई भी चीज़ नमक डालने के बाद में पानी छोड़ता है, तो जब तक वो पानी सूखता है हम इसको इसी तरह से पकाएंगे। और जब ये प्राउन्स जो है दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं तब तक हम पकाएंगे इसको। उसके बाद हम इसमें और थोड़ा मसाला ऐड करेंगे। हमें कुछ ज़्यादा मसाला नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम मसाला हमें इसे चाहिए हम ये पकाने के लिए। तो यहाँ पर मेरा प्राउन्स जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर चिल्ली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून डाला है। ये नॉर्मल टेबल स्पून है जो हम खाने खाने के लिए यूज़ करते हैं। और मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर भी 3/4 टीस्पून डाल दिया है और मैंने मिक्स किया अच्छा से। और इसी तरह से हम मिक्स करके इसको फ्राई करते रहेंगे और पकाते रहेंगे। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैं ऑलरेडी 15-20 मिनट हो चुका है मैंने इसको पकाते हुए। तो यहाँ पर मैं जो है 1/4 टीस्पून जो है गरम मसाला का डालूँगी, डाल दिया मैंने और उसको फ्राई कर रही हूँ। और उसके बाद जो है मेरा प्रॉन्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसको बहुत जल्दी पक जाते हैं और बहुत टेस्टी भी बनता है, ज़्यादा मसाला भी नहीं चाहिए होता है। कोई भी इसे बना सकते हैं और किसी भी चीज़ के साथ इसको ये बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने जो है वाइट विनीगर 1 टेबल स्पून ऐड किया है और उसको अच्छे से मैं मिक्स करके थोड़ा देर और फ्राई करूँगी 2 मिनट के करीब। और उसके बाद जो है मैं कोरिएंडर लीव्स, धनिया के जो पाउडर होते हैं, सॉरी धनिया के जो पत्ते होते हैं, उसको मैंने डाला और डालकर अच्छे से मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में ये रेडी है, लेकिन मैं एक टेस्ट करके देखना चाहती हूँ ताकि अगर कुछ कमी है तो मैं और डाल सकूं, जैसे कि नमक मिर्च चाहिए तो आप इस टाइम पे डाल सकते हैं टेस्ट करने के बाद में। तो मैंने यहाँ पे एक उठाकर टेस्ट किया और मेरा जो प्राउन्स है वो पक चुका है और नमक मिर्च भी मेरा बिल्कुल ठीक है। इस टाइम पे अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगता है, तो आप थोड़ा नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं और 2 मिनट के लिए फ्राई कर सकते हैं। तो ये मेरा प्राउन्स जो है रेडी हो चुका है, अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। आप इसको किसी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून विद अनदर रेसिपी।